Rio Janeiro. एमएसपी से 50 गुना ज्यादा, 50% ज्यादा जो किसानों को उनकी उपज को भाव देने का निर्णय बजट अधिवेशन में घोषित किया था, आज उन दरों की, उन भाव की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि 15-20 साल से लगातार किसान ये मांग करते थे कि लागत मूल्य पर 50% मुनाफा पकड़कर उनको भाव मिलना चाहिए, उनको दर मिलना चाहिए, उनको रेट मिलना चाहिए। किसी भी सरकार ने ये निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। किंतु मोदी जी ने इसकी घोषणा भी की और आज उन मूल्यों को मोदी जी की सरकार ने घोषित किया है। और जितने भारत के प्रमुख उपज है, ये सारे उपज पर आज लागत मूल्य पर 50% मुनाफा पकड़कर ये भाव घोषित हुए हैं। मैं केंद्र सरकार का और आदरणीय मोदी जी का, महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से, महाराष्ट्र के तमाम किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार मोदी जी की सरकार ने, चाहे फिर वो नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से यूरिया का शॉर्ट सप्लाई खत्म करना हो, सिंचाई की योजनाओं को बड़े पैमाने पर आवंटन हो, माइक्रो इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध करा देना हो, फूड पार्क्स की योजना लाकर हमारे किसानों को किसान संपदा योजना के माध्यम से मदद करना हो, डबलिंग ऑफ फार्म इनकम, इसके तहत अलग अलग प्रकार की योजनाएं हो, ये सारी योजनाओं के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है। और आज का निर्णय सही मायने में ऐतिहासिक निर्णय है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की ओर से मोदी जी का, उनकी सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।